गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर न्यू पोयम इज सी सॉन्ग। आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, लाइंग ऑन द सैंड। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कॉल इनसाइड माय हैंड। मुझे समुद्र किनारे रेत पर एक शेल मिला। शेल क्या होता है? ये जो उसके हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये शेल होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर शंख बोलते हैं इसको, शंख भी बोलते हैं। तो इसको एक शंख मिला, एक शेल मिला जो रेत पे पड़ा हुआ था। तो ये कह रहा, मैंने इसको उठाया और घर ले आया, और जब मैं उसको लेके आ रहा था, मुझे हाथ में ठंडा स्पर्श लग रहा था। मम्मा लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माय ईयर एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। मम्मा ने जब इसको देखा, उसने इसको बजाया और इसमें बहुत ही सॉफ्ट आवाज, बहुत ही मीठी और साफ आवाज आई। आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन हर, बट इट वॉज रियली ट्रू। आई विश वेयर Find a nice big shell and hear it singing to me. मैं बहुत सरप्राइज हुआ। मैंने इसको बड़े ध्यान से सुना, लेकिन ये एकदम सही में बहुत ही अच्छा था। और मेरी इच्छा है कि आपको भी एक दिन ये मिले और आप भी इसके गाने को, इसके गीत को, इसकी आवाज़ को सुनो। उसके बाद न्यू वर्स कर लेते हैं। न्यू वर्स, फर्स्ट वर्ड इज शेल, SHE डबल एल, शेल। शेल जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये शेल है, SHE डबल एल, शेल। नेक्स्ट इज होल्ड। होल्ड मतलब किसी चीज को पकड़ना, जैसे इसने फ्लावर को पकड़ा है, होल्ड। और इसका पास्ट टेंस है हेल्ड, HELD, मतलब इसको पकड़े हुए है ना, होल्ड भी पकड़ने से, माइक को होल्ड किया हुआ है, तो हेल्ड हो जाएगा पास्ट टेंस, HELD, हेल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज सरप्राइज, SURPRISED, सरप्राइज। सरप्राइज मतलब चौंक जाना, जिसमें लोग सरप्राइज हो रहे हैं पिक्चर को देख के। कर्ली, नेक्स्ट वर्ड इज कर्ली, CURLY, कर्ली। कर्ली मतलब एकदम जैसे इस टाइप के बाल है ना, घुमाऊदार, इस टाइप का कर्ली। नेक्स्ट वर्ड इज क्लियर, जैसे आप देख रहे हो उसमें क्लियर इमेज आ रही है, क्लियर, साफ, स्पष्ट, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर पार्ट। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल, बच्चे को सी शेल कहाँ पे मिला, समुद्र में जो शंख था वो कहाँ पे मिला। द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड, बच्चे को वो सैंड पे मिला, रेत पे मिला। द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड, सैंड पर मिला उसको। व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल, बच्चे ने शेल के साथ में क्या किया। द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम, बच्चे ने उसको उठाया और अपने घर ले आया। व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, बच्चे ने क्या सुना उसने। द चाइल्ड हियर ए सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल, बच्चे ने एक साफ क्लियर और मीठी, सॉफ्ट क्लियर और मीठी आवाज सुनी। अब इसका राइमिंग वर्ड आ जाता है, राइमिंग वर्ड कर लेते हैं। फाउंड का राइमिंग वर्ड हो जाएगा साउंड, कोल्ड बोर्ड, टुक बुक, सैंड हैंड, मम्मी टम्मी, इसके रनिंग वर्ड हो जाएंगे। देन यू हैव टू राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में देख के आपको अपोजिट वर्ड देखने हैं। फाउंड लॉस्ट, हार्ड है यहाँ पे, सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। इनसाइड आउटसाइड, took, gave, gave, big, small, came, went, pick, drop, true, false,
curly, straight. Cold, hot. Sweet, meetha, bitter, kadwa. Tall, short. Okay, these are the opposite words. So, one song is, the sea is big, the sea is big, it is very, very big. You cannot see the other side of the sea, you can cross the sea in a ship, but you must go for many, many days. Sea bahut bada hai. और इतना बड़ा है कि आप उसके अदर साइड भी नहीं देख सकते हो, आप इसको क्लोज कर सकते हो केवल शिप के द्वारा, और शिप में भी आपको बहुत सारे दिन लगेंगे. द सी इज वेरी वेरी बिग ए फार बिग. द करेक्ट वर्ड इज बिग. यू कैन नॉट हियर या सी द अदर साइड. आप इसकी दूसरी साइड नहीं देख सकते हैं, सुन सकते हैं. सी. यू कैन नॉट क्रॉस द सी, तो कैन नॉट आ जाएगा. कैन आएगा, यू कैन क्रॉस द सी. आप सी को क्रॉस कर सकते हैं लेकिन शिप के द्वारा. यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप. बस में नहीं कर सकते, शिप में करेंगे. ओके, और इसके बाद जो उसका नेक्स्ट पार्ट है पोया में, इसको साइलेंसली आपको पढ़ना है. बर्ड सिंग, फोन रिंग, इनकी साउंड है. बर्ड क्या करती है, सिंग करती है. फोन रिंग करते हैं. People talk, लोग बात करते हैं. Dogs bark, cows moo, cocks crow, bees buzz, children hush. ये इनकी आवाजें हैं. अब आपको क्या करना है, मैच करना है. A bird singing, बर्डिंग से जाएगी, सिंगिंग से जाएगी. A cow mooing, ये इससे मैच कर देंगे पिक्चर से. Phone ringing, इसको से मैच कर देंगे. अ डॉग बार्किंग, इसको से कर देंगे. कॉक क्रोइंग, इसको मैच कर देंगे. थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद एवरीवन. प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो. थैंक यू, हैव अ गुड डे.